कहा कैसे आए हो? कहा पता चला है तुम ताज शरिया के मुरीद हो। कहा हाँ। कहा मेरे पास असजद मियां का नंबर है, अगर जरूरत हो तो नंबर लेकर के हजरत से बात कर सकते हो। ये कह के इंजीनियर ने बात की। अल्लाह अकबर बेकरार हो गया मुरीद। अगले दिन टिकट लिया, भारत में आया, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी की, कदम पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा हजरत जी जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते, इंजीनियर को भेजने की जरूरत क्या थी? मेरे मुर्शिद ने मुस्कुरा के फरमाया बेटे जल्दी मुझे नहीं जल्दी तुझे हो रही थी, जो तेरे दरवाजे पे इंजीनियर आ गया था, अगर वो ना आता तो पता भी अख्तर रजा देता और फोन नंबर भी तुझे अख्तर रजा देते आता। ये शान मेरे मुर्शिद की है। मैं कहता हूँ चलो बना लो मरकज अपनी मर्जी से, मगर एक बात बता दो तुम इमारत कितनी बड़ी बना लो, किताबें कितनी लाके रख लो, लेकिन वहां मजार में इमाम अहमद रजा कहां से ला लोगे? मरकजियत वही रहेगी जहां पे मेरा अहमद रजा रहेगा। हाँ, और कोई आम घराना नहीं, खुदा की कसम मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। मुकद्दर के दनियों कौन है ताजु शरिया? पैदा हुए ना, पैदा हुए जानते हो जिनके नाना मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ मुफ्ती आजम की बेटी जब पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं साहब मौलवी साहब से कोई चीज उनके मुंह की बच्चे के मुंह में डलवा दो, किसी बुजुर्ग के मुंह का जो आप बच्चे के मुंह में लगवा दो, इससे बच्चे की जिंदगी में बरकतें आती है। मगर सोचो तो सही, जब ताजु शरिया पैदा हुए ना तो लुहाब अपना मुफ्ती आजम ने चटाया था, मुफ्ती आजम ने चटाया था। कौन है मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे, और आला हजरत कौन है इसे समझने के लिए हैरत होती है। लोग मुफ्ती आजम को तो वली मानने तैयार है लेकिन आला हजरत को वली मानने तैयार नहीं। कहते आला हजरत वली नहीं थे, मौलवी थे बड़े वाले, आप वली नहीं थे। अच्छा चल, नहीं थे वली। किस एक दिन मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, किसी ने मुफ्ती आजम से कहा कि आप आला हजरत के बेटे? इतना सुनकर ना आप रोने लगे। पूछने वाले ने कहा हजरत मैंने कोई बात तो आपको गलत नहीं कही, आप क्यों रोए? तो मुफ्ती आजम हिंद रोके कहने लगे मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कोई आला हजरत का बेटा कहता है तो मुझे शर्म आती है। किस लिए? कहने लगे इसलिए कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था अफसोस मुस्तफा रजा वैसा बेटा ना बन सका। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम अलैहि रहमतु व रिजवान का जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसे मुफ्ती आजम? इसे समझोगे तो पता चलेगा आला हजरत कैसे। अभी थके तो नहीं आप? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकारे मुफ्ती आजम को यार अल्लाह वालों से प्यार किया, अल्लाह वालों से मोहब्बत किया। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर, अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। एक दिन अपने अब्बू से कहने लगी अब्बू जी मैं नन्ने मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा करता था ऐसे ही कुछ, तो वो कहने लगे मुझे नन्ने मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए तबीयत बिगड़ती रही, एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना बाप की चीख निकल गई बाप बाप होता है, अल्लाह अकबर। बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना
तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं। अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना तो कहने लगे क्या हुआ, जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर का कहना क्या चाहते हो, कहा मेरी मर्जी यह है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाश को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी, बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा किरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं, और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे लाकर के मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे, जैसे आपने सलाम फेरा पीछे मुड़ के देखा बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात, क्यों रो रहे हो, का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हूं, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता है तुम किसकी गलियों में खड़े हो, तुम अहमद रजा की गलियों में खड़े हो, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम हैं अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे, फरमाया क्या बात है, बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई, वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा, आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूँ कि बच्ची तो आपको ना देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहाँ है बेटी, कब वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर, मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं, आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियां आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया हो, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया हो, ऐसा लग रहा था कुंभ इज़्निल्लाह मुफ्ती आजम कह रहे थे और उसमें रूह मलकुल मौत वापस करते जा रहे थे। वो कहते हैं बेटे को होना चाहिए था वैसा, मैं ना हो सका, बता जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा। लगा सकता है तो अंदाजा, मगर आओ अब तुम्हें हकीकत की तरफ लेके चलें, चलें चलें, अल्लाह सलामत रखे, गौर करें, पैदा हुए तो मुफ्ती आजम ने अपना लुआब आपके मुंह में डाला, जब आप बिस्मिल्लाह खानी की उम्र शरीफ थी, मुफ्ती आजम हिंद ने बिस्मिल्लाह खानी कराई, ये फैसला हुआ कि इनको किस मदरसे में डाला जाए। अब मेरी बात बात गौर से सुनो, इनको किस मदरसे में डाला जाए, तो आपकी वालिदे मोहतरमा कहने लगी नहीं, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। अब सोचने वाली बात है, अपने अख्तर को मैं खुद पढ़ाऊंगी। आज भी बरेली जाके पता कर लो, आपकी वालिदा बचपन से ही अपने हर बेटे का नाम लेती थी, लेकिन बचपन से मेरे मुर्शिद का नाम नहीं लिया, बल्कि जब से पढ़ना माँ के पास था, जो शरिया ने शुरू किया ना, माँ तभी से बड़े मौलाना कहा करती थी, तभी से माँ बड़े मौलाना कहा करती थी। अब मुझे बताओ, जिसकी माँ ऐसी हो फिर उसका बेटा कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए। हाँ, आज अपने हालात हम देखें, हम दुआएं करते हैं, मौलाना ऐसा तावीज दे दो कि मेरा बेटा कुतुब हो जाए, ऐसी दुआ कर दो मेरा बेटा वली बन जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, सबसे पहला मकतब बच्चे के लिए माँ की गोद होती है। वो माँ जिसने बच्चे को मोबाइल सुना सुना के पाला, तो बच्चा नाचने वाला नहीं होगा तो फिर कौन होगा। जिसने गाने सुना सुना के बच्चे को जवान किया हो, फिर मुझे बताओ उस बच्चे का जवानी का हाल क्या होगा। आज शिकायत है, बेटा शराब पी रहा है, बेटा जुआ खेल रहा है। आज उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई कौम शराब पी रही है तो वो तुम्हारी और मेरी कौम शराब पी रही है।
हमें शर्म नहीं आती, कादरी भी हम कहलाते हैं, रजवी भी हम कहलाते हैं। जब चार यारों की महफिल में बैठते हैं तो शराबों के छाम उड़ाए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम कादरी हैं, कौन सा चेहरा गोशे पाक को हम दिखाएंगे। खुदा की कसम ये बेटा आज नहीं बिगड़ा, ये बेटा उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने इसे गोद में लेकर के गाने सुनाए थे, ये उस दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने इसे दूध पिलाते हुए गाने गाए थे, ये उसी दिन बिगड़ गया था जिस दिन माँ ने झूले में लटा करके इसे गाने सुनाए थे। काश इस माँ ने फातिमा जहरा की तरह बेटे को पालने में लटा करके कुरान सुनाया होता, काश इस माँ ने सैयदा की तरह दूध पिलाते हुए कुरान सुनाया होता, काश इस माँ ने भी अपने बेटे को सैयदा फातिमा की तरह लोरी देते हुए कुरान सुनाया होता तो खुदा की कसम ये जवानी में गाने ना गाता, जवानी में डांस ना करता, जवानी में अय्याशी ना करता, जवानी में बदमाशी ना करता। जब दुनिया का जवान अय्याशी में डूबा होता, अगर इसकी परवरिश कुरान के साचे में हुई होती तो दुनिया अय्याशी कर रही होती, ये मस्जिद में सजदे में सर रख के रो रो के अपने रब को राजी करता नजर आ रहा हो। हमने बच्चों की परवरिश सही नहीं की, ये मिजाज नहीं हमारे, बच्चा खूबसूरत पैदा हो तो इसे डॉक्टर बनाना, माइंडेड है इसे इंजीनियर बनाना, जो किसी काम का नहीं है इसे मौलवी बनाना, जो किसी काम का नहीं इसे मौलवी बनाना है। इस जहन का बड़ा भद्दा मस्जिद में भेज दो, मगर खुदा की कसम ये एहसान मान आमीना के लाल का, जिसका जहन कहीं नहीं चलता उसका जहन मुस्तफा के घर में चल जाया करता है, ये याद रखना। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, तुम कितना इसे बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, बड़े से बड़ा इंजीनियर ले आओ, खुदा की कसम इंजीनियर का दिमाग अपनी जगह, कुरान के हाफिज का दिमाग अपनी जगह है। ये मदरसे की बरकतें हैं, जिसने आठ दिन मदरसे की दाल रोटी खा ली ना फिर वो दुनिया में कभी मात नहीं खाता। पढ़े या ना पढ़े, सुन ले, पढ़े ना पढ़े, सिर्फ आठ दिन मदरसे में गुजार दे, खुदा की कसम जिंदगी भर मदरसे की बरकतें दिखाई देती हैं। बता तो सही, अगर आठ दिन मदरसे में गुजार दे तो मदरसे की बरकतें दिखाई देती हैं। जिसकी सुबह मदरसे में गुजरी हो, जिसकी शाम मदरसे में गुजरी हो, जिसका बचपन मदरसे में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदरसे में गुजरी हो, जिसको बुढ़ापा मदरसे में आया हो, जिसकी उम्र कुरान पढ़ते हुए गुजर गई होगी, उसके अक्ल और जहन का अंदाजा कौन लगा सकता है। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, किसी को इंजीनियर पे नाज है, किसी को डॉक्टर पे नाज है, किसी को पुलिस इंस्पेक्टर पे नाज है, हमें कुरान के कारी पे नाज है। इसलिए कि ये मरेंगे, इनके बदन गल जाएंगे, जब हाफिज मरेगा तो कब्र में भी सलामत रहेगा, कयामत के दिन हश्र में भी सलामत रहेगा। तो तमन्ना ये किया था वो बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी, कुरान का कारी, सारे बोले कुरान का कारी, पहले बने नहीं होता है। ये बरकत बताने लगा, एक आलिम हो जाए तो खानदान में शराबी नहीं होता है, जुआरी नहीं होता खानदान में, नशेड़ी नहीं होता। नौजवान कहता कुछ नहीं, वो पी रहा था एनर्जी ड्रिंक, कई बहाने बना बना के जवान नशे कर रहे, नशा कर रहे। तुम ये बताओ, ये नशा प्यारा है या मदीने वाला मुस्तफा प्यारा है? मुझे बता तो सही, खुदा की कसम इस शराब पे मर मिटे जो तुम्हारी अक्ल को खा जाए, तुम्हें रुसवा कर दे, तुम शराबों में गंदी शराब में डूबे हो, रब ने तो तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम कर रखा है। कहां चले गए तुम, किस नशे में जाके डूब गए? अल्लाह अकबर, शराब पीने के बाद बंदा कौन सा गुनाह नहीं करता? माँ पे ये हाथ उठाए, बाप पे ये हाथ उठाए, हर गुनाह की तरफ इसका कदम आसानी से उठ जाता है। खुदा के वास्ते बच्चों की परवरिश इस्लाम के साए में करो, दीन के साए में करो बच्चों की परवरिश। इसलिए कि अगर इस्लाम के साए में बच्चे की परवरिश होगी, खुदा की कसम नाम भले ही अख्तर रजा हो, जब जवानी आएगी तो दुनिया कहती है ताज शरिया गुजर के जा रहे हैं। ये माँ की परवरिश का नतीजा, माँ ने आपको नाजरा पढ़ाया, आपने इब्तदाई तालीम बरेली में हासिल की, पूछो इन उलमा से, फिर उसके बाद मुफ्ती आजम ने कहा मेरा नवासा है तालीम हासिल करने अब जाएगा मिस्र में,
हाँ फिर हजारों में जब एक नंबर आया, खुदा की कसम तो दुनिया चीख चीख के कह रही थी, कोई कह रहा था इनका एक नंबर कैसे आ गया, लेकिन जामिया अजहर का निसाब कह रहा था कि एक नंबर का हकदार कोई और नहीं बरेली के अहमद रजा का बेटा ही हो सकता है। हाँ परवरिश बचपन से अच्छी हुई थी ना, तो फिर मिस्र से भी एक नंबर लेकर के लौटे। जब मिस्र से एक नंबर लेकर के आए, फिर जमाने ने देखा, खुदा की कसम अख्तर रजा था जो शरिया बन करके चल के, क्या था मुझे भैंदाले के साथ करता हूँ। आप छोटे थे ना, तो बगदाद शरीफ से कोई बुजुर्ग आए थे बाला आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, तो सब दौड़ रहे थे मिलने के लिए। सरकार था जो शरिया के बचपन का जमाना था, आप भी निकले और जाके उन बुजुर्ग से कहने लगे कुछ हमें भी दे दें अपने नाना की खैरात। मुस्कुरा के कहने लगे कि जो कुछ हमारे नाना ने हमें दिया था वो सब कुछ हमने तुम्हारे नाना को दे दिया, वो सब कुछ तुम्हारे नाना को दे दिया गया और वो तुम्हारे नाना ने तुम्हें दे दिया गया। फरमाने लगे शहजादे तुम्हारे जिम्मे बड़े काम हैं, तुम्हें बड़े बड़े काम करने हैं। खुदा की कसम कौन था जो शरिया है, आला हजरत की बारगाह में हुज्जतुल इस्लाम बैठे थे, मेरे इमाम ने हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा, देख के मुस्कुरा के कहने लगे मेरे इस बेटे की नस्ल में एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो दुनिया के कोने कोने तक मुस्तफा के काम को लेकर के जाएगा, मेरी तालीमात को पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया की कोने कोने तक पहुंचाएगा। उसी नस्ल में जब बरेली में अख्तर रजा पैदा हुए तो दुनिया ने कहा वाकई ये आला हजरत के इल्म का वारिस बरेली में जलवागर हो गया, बरेली में जलवागर हो गया, ये शान सरकार था जो शरिया की है। और जवानों मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बरेली शरीफ के अंदर आप जहां इल्म देखेंगे वहां अदब भी नजर आएगा, अदब भी नजर आएगा। ये माँ बाप के इतने फरमाबरदार थे, इतने फरमाबरदार थे, आला हजरत मदीने के इश्क में रोया करते थे, लेकिन माँ की मर्जी से बेटा हज को जाता था। सुने आला हजरत को इश्क इतना था कि मदीने की याद में रोया करते थे। आला हजरत के भाई जब जाने लगे ना तो आला हजरत छोड़ने के लिए गए तो इतना रोए लोग परेशान हो गए, कहने लगे आप भी चले ना, तो अल्लाह हुआ पर आप कहने लगे नहीं हमारे घर का उसूल है जिसे माँ कहती है वही जाता है। आज माँ को लात मार के बेटा तबलीग में निकल गया, माँ घर में तड़प रही है, बेटा चिल्ले काटता घूम रहा है और कहते नहीं हज का सवाब है। हमारे आला हजरत देखो आप फरमाते कि हमारे घर से हज को वही जाता है जिसे माँ इजाजत देते, मैं नहीं जाऊंगा। वापस आए ना छोड़ के तो दरवाजे पे क्या देखा, माँ ने पहले ही सामान तैयार कर रखा है। माँ को देख के आला हजरत की आंख में आंसू आ गए, माँ ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो, कहा माँ बस यूं ही। फरमाने लगे मुझे पता था बेटे जब तुम भाई को छोड़ के आओगे ना तुमसे बर्दाश्त ना होगा, लो मैंने तुम्हारा भी मदीने जाने का सामान तैयार कर दिया है। खुदा की कसम ये ऐसे माँ के फरमा बरदार थे, आज हम अपनी फरमा बरदारी देखे। मुझे पता तो सही जवान आला हजरत माँ की मर्जी के बगैर हज के लिए नहीं जा रहे हैं, तुम माँ की मर्जी के बगैर ससुराल घूमता फिर रहा है, माँ की मर्जी के बगैर तू ऐश करता घूम रहा है, माँ तो 10 रुपए की दवा के लिए परेशान है, तू ऐश करता फिर रहा यारों के साथ, 3-3 हजार के होटलों में खाने खा रहा है, बाप को 50 रुपए के जूते नहीं दिला सका, तुझे हया नहीं आती है। अगर आला हजरत से सच्चा इश्क है, अहद कर जब तक जीऊंगा माँ बाप की फरमाबरदारी करूंगा, जब तक जीऊंगा माँ बाप की रजामंदी का ख्याल करूंगा।